स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कटनी जिला मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को पुरुष एवं महिला मास्टर्स वर्ग की 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेकर प्रतिभागियों ने खासा उत्साह दिखाया। यह प्रतियोगिता फॉरेस्ट प्लेग्राउंड में सुबह 8 बजे से आयोजित हुई। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग 35 वर्ष में चंदन चक्रवर्ती प्रथम, विजय कुमार शर्मा द्वितीय, महिला वर्ग 35 वर्ष में चेतना झा प्रथम व द्वितीय, अफसाना बी रहे। 40 वर्ष पुरुष वर्ग में राजकुमार सोनखरे प्रथम व शम्स तबरेज तृतीय, अनिल सहारे। 45 वर्ष पुरुष वर्ग में सुनील रौतिया प्रथम, द्वितीय कमल कुमार गौंड, तृतीय पवन मनाज सिंह। 50 वर्ष पुरुष वर्ग में विजय भार प्रथम, द्वितीय कमल कुमार गौंड, तृतीय पवन कुमार चक्रवर्ती। 55 वर्ष पुरुष वर्ग में शकील अहमद प्रथम, द्वितीय नवीन चक्रवर्ती। 60 वर्ष पुरुष वर्ग में राजेंद्र मंगलानी प्रथम, मनोहर लाल मंगलानी। 65 वर्ष पुरुष वर्ग में राजेंद्र सिंह प्रथम रहे, जबकि 70 वर्ष पुरुष वर्ग में वीरेंद्र सिंह, 75 वर्ष पुरुष वर्ग में केएल कनकने, 45 वर्ष महिला वर्ग में अर्चना मनोध्या प्रथम रही। कटनी जिला मास्टर एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष राजेंद्र मनोध्या, सचिव आलोक जोसेफ, कोषाध्यक्ष केएल कनकने, सह सचिव जगदीश गुप्ता, देवी सिंह, मीडिया प्रभारी आदेश खरिया ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को खेल प्रेमियों, खेल विभाग के कर्मचारियों, पुलिस विभाग, युवा खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। ये हमारे फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी कोच और फुटबॉल टूर्नामेंट जो चल रहा है उसको भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सुनील रोतिया। दोस्तों देवी प्रसाद जी तृतीय स्थान मनोज सिंह तीसरे स्थान पर, फिफ्टी प्लस प्रथम स्थान हमारे कटनी जिले के खेल प्रभारी, खेलों में अपना विशेष सहयोग प्रदान करते रहे हैं और बहुत सालों के बाद उन्होंने अपनी दौड़ आज यहां दिखाई और प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजय भाजी बारिस्टर खेल मैदान में आयोजित 100 मीटर दौड़ वेटरन्स या मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें 35 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के आयु के अंतर्गत जितने भी पुरुष और महिला आते हैं उनके लिए आयोजित की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे ऐसे खिलाड़ी जो मास्टर्स वेटरन्स वर्ग के होते हैं और जो ग्राउंड को छोड़ दिया है किसी न किसी व्यक्तिगत कारणों से, उन्हें वापस ग्राउंड में लाना, उन्हें एक मंच प्रदान करना, और इससे बड़ा मुख्य उद्देश्य यह था कि उनके माध्यम से युवा खिलाड़ियों को और बच्चों को जागृत करना, उन्हें प्रेरित करना कि वो देखें कि हमारे जब बुजुर्ग खिलाड़ी इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। 35 वर्ष से लेकर इसमें 75 ईयर्स तक के जो हमारे एथलीट थे कटनी जिले के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 30 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जी, टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए कटनी से अजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।